अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका दोस्त अशरफ हुसैन आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है, साथ मेरे हमजा अली हराइन। और हम अभी आए हैं मोहम्मद अली बाजवा की तरफ। पता नहीं क्या प्लान है इनके, बाहर हमने प्लान वाले कपड़े तो पहने हुए हैं, कच्चे कुछ पहने हुए हैं। तो ईद का आज पहला दिन था, और मतलब आज पहली रात, ईद की कल दूसरा दिन है। तो अली बाजवा साहब को पिक करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या करना है, किधर निकलना है, कैसे निकलना है, क्यों निकलना है, कितने बजे निकलना है, कितनी देर के लिए निकलना है। तो सूढ़ी वाले प्लान होते मरे हमेशा एज यूजल, बट इस मरतबा आई होप कि क्वालिटी प्लान होगा। तो रस्ते का फन भी दिखाएंगे आपको, वहाँ पहुँच भी शुगर लगाएंगे जब हम जा रहे हैं, लेकिन पहले हम डिसाइड कर लें आपस में पहुँचना किधर, जाना किधर है। और जहाँ जब हम डिसाइड करेंगे तब की वीडियो हम तब नहीं बना, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ कंटेंट हो जाता है, तो जो कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो जो कंटेंट अलाउ करता है यूट्यूब, हम वही अपलोड करेंगे और वही बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करें, थैंक यू। अली बाजवा भी आ गए, अभी हमें पिक करना है अब्दुल्ला को। चार लोग हैं जो टोटली होंगे, हमजा, मैं, अली बाजवा। अली ऐसे कपड़े कपड़े पा लेने, गड्डी तेल तुल पुआना, चलो खैर ये चले कितने वजीराबाद, जहाँ जिंदगी ले जाएगी शायद वजीराबाद, जिंदगी जितनी मर्जी ला जाए, जिंदगी बढ़ा दो, मैंने बहुत दिक्कत वापस आना, शाम तो पहले वापस कर दी जिंदगी यार। अभी अब्दुल्ला को बैठे तो फिर हम पेट्रोल देखते हैं, 500 लीटर वाला लगवाना, फिर डिसाइड करेंगे इतने जितना ये पेट्रोल है इसके ऊपर हम जा पेट्रोल जाते हैं। नहीं, इसकी एवरेज बड़ी चाहिए, इसलिए मुझे एयरपोर्ट से पिक किया तब किसने कराएंगे फोन कराइए। बड़ी तेरे मड़े लाचार रहे हो आज 8 दिन हो गए वाला नंबर क्या है, मैं क्या फोन करा दियो तो पता लग जाए कि ये एवरेज दे रही है गाड़ी। लेकिन चले खैर, अभी हम अब्दुल्ला की तरफ जा रहे हैं, अब्दुल्ला को पिक करने के बाद टैंक शैंक फुल करवाएंगे इसका, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो मिल पाज और अब्दुल्ला को भी पिक कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार कोई सफर की दुआ कर, पढ़ना चाहते हैं पढ़ दे ऊंची आवाज से, बड़े जी आप जल्दी पढ़ लिया, तुम्हें गुलाब के लिए दोबारा पढ़ना नहीं है तो पढ़ लो। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में फ्यूल ऐड करवाने, फ्यूल ऐड करवाने, फ्यूल ऐड, हम फ्यूल ऐड करवाने, फ्यूल टॉप अप करवाने जा रहे हैं, थोड़ा अंग्रेज के तरह फ्यूल टॉप अप करवाने जा रहे हैं। तो जनाब पेट्रोल डलवा लिया है, चलते हैं। ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूं, हमदा मेरे साथ आ गया, तो सामान काफी ले लिया खाने पीने का, 5000 नंबर ने सामान दे लो, खाने पीने ले लिया जी। तो अभी हम अपने सिटी रोड पे हैं, शहर मीरावल से पहले ही हैं। तो इसके बाद अगले स्टॉप पे हम आपसे मिलते हैं। जनाब ये हम रुके हैं अलगनी पे, थोड़ी सी चीजें लेनी थी, वो ली हैं, टायर प्रेशर चेक करवाना था, टायर प्रेशर चेक करने के लिए तो हमें बंदा नहीं मिला, टाइम काफी हो चुका है इस वक्त। टाइम क्या हो रहा है जी, 1:48 हो रहे हैं। अली बाजवा आर यू एक्टिव? यस, स्टे अप ब्रो। खारिया पहुंच चुके हैं तकरीबन, हम 40 मिनटों में खारिया पहुंचे हैं, घर वापसी के लिए, वापसी का सफर देखते हैं कितनी देर में होता है। रौनक वाह भाई है, लोग ईद मनाने के लिए अपने अपने अजीजों के मिलने के लिए, तो हम भी ईद मनाने के लिए निकल रहे हैं जरा फॉर अवे, फॉर अवे। अभी हम रुके हैं यहाँ पे गुजरना के पास, बॉली रेस्टोरेंट। हाँ जी अब्दुल्ला, खाना खाने से बैठे हुए हैं, खाना खाने के बैठे हुए हैं। ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया? चाय है, पराठा, ये मेरा ऑर्डर बता रहा हूँ, हल्का फुल्का जो है दाल माश करेंगे, दाल माश होगी साहब। नहीं हम 160 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है 200 ट्रैवल कर लिया, अब डिसाइड ये करना है वापस जाना है या आगे जाना है। भाई साहब क्या राय है आपकी, जैसे कहते हैं गुलाब की राय है? मैं तो कहता हूँ आगे चलते हैं, घर चलते हैं, मैं आगे चलते हैं, हम आगे वापस चलते हैं। चलिए इसकी यहाँ जोड़े भी बिठा दें, अली मैं और अब्दुल्ला जो है गरम चाह। कौन सी दूध पत्ती की है? बॉली डेयरी फार्म की खाली दूध पत्ती, हले सा बच गया नहीं खादा, चने की दाल माश मही चने आ गए। चौथा कितने आई? बाकी रिव्यू जो रिकॉर्ड हो गया
आपके क्या रिव्यूज है इस बारे में? बहुत ही उन्होंने वहां पे लिखा है सालिस चाय, सालिस दूध की चाय। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस रेस्टोरेंट में आइएगा, हम फेक फेक फूड ब्लॉगर्स नहीं है। आखिर तकरीबन 5-4 घंटे का सफर करने के बाद हम आधारा मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वेदर है। रास्ते में बारिश भी मिली रावलपिंडी, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो अब पुरसकून माहौल है, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल्ला की और अली की लड़ाई होते हैं। तो मौसम चेक करें आप, वेदर चेक, और उन दोस्तों के लिए जिनको लगता था मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं, पल्लू तुम्हारे जैसे Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me 'cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. तारा मोटरवे पे कैमो तो आम नजर आया है जहाँ पे हम रुके हैं। कैमो तो आम यहाँ पे हम ड्राइवर चेंज करेंगे, हम सारे तर्जेंगे कि शुरू कर देंगे। तो मैं बहुत चला रही गाड़ी, अब किसी और बंदे को देते हैं, बहुत चला ले। मतलब भाई क्या पियेंगे आप यहाँ पे? पानी और चाय। हम तो आपके पियोगे सेम, आप चाय पीते नहीं ना? मैं पीता, क्यों नहीं पीता? ये भाई सारे रास्ता खाते हुए आए हैं। ओ नहीं बेच, 17 को बड़ी चुप नहीं रहा, हम 3 मिनट रुके होंगे पीना चले जी। ये भाई लॉलीपॉप चुपते हुए हैं पूरा रास्ता, और ये भाई कंप्लेंट करते हुए, ये भाई कंप्लेंट करते हुए इस भाई को ना खा यार, मेहरबानी है बस भी कर। हमारे दोस्त ने आजम खान ये है। अच्छा मैं आजम खान? नो परफॉर्मेंस, नो परफॉर्मेंस। मेरे नाल बैठ के कुछ तकरीबन 5 घंटे का सफर किया ना, 4 घंटे 45 मिनट मुंह चाप रहा था, मैं करता रहा। ये लूज टॉक का जो एक्सपर्ट है हमारे ग्रुप में, पानी ठीक है यार, अपनी दुकान लगन गया ही ਇਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਚ ਵੇਖ ਲਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੇਖ, ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਉਹ ਰੈਡ ਵਾਲੇ, ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਫੈਂਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਤੂੰ ਰਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇ ਦੇਖ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿੰਗ ਕਿਦਿਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहुंचे आप? नहीं अब हम जरा घरों में फोन करके खैरियत से गा कर दें, मजीद बात होती है। तो जनाब तकरीबन कोई 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमारे अभी तक हाफ टैंक कंज्यूम हुआ है। हम सब ड्राइविंग सीट पे है माशाल्लाह, अली बाजवा उसी सीट पे, अब्दुल्ला भी उसी सीट पे है, और मैं इधर आ गया हूँ पैसेंजर सीट पे। तो अभी टैंक फुल करवाते हैं फिर से, उसके बाद 3 घंटे के बाद तक हम 3 घंटे तक हम इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे नरान। बल्लू तुम्हारी जिम से फिर बाबा जी तीसरी टनल आ चली है,
ਨਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੇ ਦੀ ਛੇੜਕ ਲੰਘਣੀ ਮਨਸੇਰਾ ਟਨਲ ਜਨਾਬ ਯੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਕਰ ਥਾ ਕੋਟ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੁਡਿਆਲ ਹਮਨੇ ਮੁੜਦੇ ਰਾਈਟ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਚੌਕ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕ ਵੀਹਾਂ ਗਾੜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਸੇ ਪਾਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਤ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਅਰਥ ਤੋ ਕੁਛ ਅਸਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਰੀਬ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਾੜੋਂ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰਾ नीचे से भी आपको दिखाते हैं शीशे बंद कर देना ठेका भी यार कुछ 3600 देते रहिए सलामों ने पहला शीशो भाई साहब क्या हाल है ठीक है ਬਸ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਰਾਨ ਤੋ ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੇ ਮੌਸਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੂਪ ਸ਼ੂਪ ਤੋਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਧੂਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ 27 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੜੀ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋ ਜਨਾਬ ਹਮ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਰਾਨ ਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਛ ਵਾਲਾ ਸੇ ਤੋ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਾੜੀ ਉਸੇ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਮਾਟੋ ਲੈ ਆਏ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦਾ ਸੋ ਗਏ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਥ ਇਨਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਇਹ ਹਮ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਆਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੈਰ ਸਮੂਹ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਠੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਸਖੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਸਫ਼ਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਤਮਈਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗਾੜੀਆਂ ਕੀ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗਾੜੀਆਂ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਹਮਾਰੀ ਗਾੜੀ ਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਂ ਸਟੱਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਗਾੜੀ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਹਮਨੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਗਾੜੀ
पीछे काफी वायलेशन करके आए, यहाँ पे अगर मैं अच्छी स्पेस मिल गई है, अभी बाकी गाड़ी वाले घुसना चाह रहे हैं बीच में। अब्दुल्ला घुसने दे इनको कि ना घुसने दे, बात नहीं चेक। आइए फिर नाना है ले आओ बेटा, करेक्ट टेंशन निकले हैं जी में एस वर्क स्क्वाड बैठे हैं जो थी मोटरसाइकिल तो मैं जीते शर्ट अब आ गई अब पिछले वाला वे सिर लमके आंदा क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारे लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा डैम बना हुआ है छोटा सा, तो इमरान खान ने अपने दौर में काम शुरू किया था जो मेरे साथ पाए तकमील को पहुंच चुका था। ये रोड भी तभी बनी है नहीं, और ये सुखी किनारी टनल आ गई जी। ये टनल अभी इतफाक हुआ है मेरा, मैं आया तो देखी है, वरना पहले जब मैं लास्ट में आया तब टनल नहीं थी। काफी टाइम हो गया है 2018-19 में आए थे, तो चले पॉजिटिव चेंजिंग आई है। मौसम चेक करें आप, सामने बापू का ढाबा को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी बर्फ का समा है लेकिन गंदी होगी बर्फ, बारिशें बुरशें हुई धुल जाएगी। और ये हम आ गए हैं नारान, इधर देख फोटो चक्कर वो सामने नारान की वादी है जो रंग बिरंगे घर नजर आ रहे हैं, जो नारान की खूबसूरती को दोबारा करते हैं। ये रखें बर्फ, ये बर्फ साथ लेके जा रहे हैं घर। इधर लगाऊं गाड़ी इधर, हम दोस्तों को देखें, अली भी तर आया, हमदा भी तर आया, अब्दुल साहब वो बैठे डर के मारे तर नहीं रहे, स्लिप ना हो जाए। अली पहले कीचड़ क्रॉस करनी पड़ेगी, चेक करें माशाल्लाह सुभान अल्लाह 12 घंटों के मुसलसल ड्राइव के बाद हम नारान पहुंच चुके हैं। और असल मजा आता है इस पानी में पैर रखने का, आप 4-5 सेकंड भी नहीं खड़े हो पाते, ये पानी इतना ठंडा होता है। अली आगे से, आगे से अली, आगे से उधर बज रही है, इधर से ना अभी ना भाजा साहब भाजी ने बूट का छोड़ दे नहीं यार नहीं, खून जम जाता बाजवे ला भाई। आ आ कंपटीशन कर लो कौन है पांच दे जितनी दे ज्यादा। आ ना पहले खड़े खड़े पे देना फिर दसी लो अपने हालात रे कितने जा रहे हो जानता पहले भी चप्पल लगा के आना अली अली आई एम सो सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लो पकड़ो अब्दुल्ला आ ना बूट ला यार तेरा अब्दुल्ला कपड़े ला यार अब्दुल्ला अंदर कहां पे जा रहा है वो मुश्किल ले जनाब। अब्दुल्ला साहब ड्राइव कर रहे हैं, भाई साहब आगे, हमजा और मैं रियर सीट पे, बाकी काफी कंफर्टेबल सीट है, विस्तार होती है ड्राइव क्योंकि पीछे बैठ जाता है। ये अब्दुल्ला के थाइस पे हमने रखे अपने पैर, ठंडे ठंडे पैर जब ड्राइव कनार से भी यक करके लाए हैं। मंजर चेक करे अल्लाह का निजाम है जी,
ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਹ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ले जनाब नीम से बुरा हाल है बाजवा साहब भी अड़क ला के सुते थे जागते रहे पे ते हम सोई जान डे अपनी गड्डी ऐसी है उस तरह से फिर उससे जाने सड़क चेक करेंगे सड़क चेक एनु भी देख लो ये भैया गड्डी चला बड़ी देर तो चेक करें माशाल्लाह और मंदिर चेक करें बादलों का मंदिर देखें ये मेरे दोस्त हैं तो जी ये बापू से टॉप है 13,700 फीट की बुलंदी पे वायद आए हुए हैं ठंड का कोई इंतजाम नहीं है तो टी शर्टों के ऊपर टी शर्ट चढ़ा ली भी है ये बाय साहब है अपने ये दुला जटा साहब है गाड़ी तो हमारी खड़ी है अभी हमारा प्लान बनता है कि आगे जाना है या वापस जाना वॉयस की जो है ना मुख्तलिफ आरा है कोई कहीं जाना चाह रहा है कोई कहीं जाना चाह रहा है जिप लाइन लेने का बन रहा है जिप लाइन नहीं या ना लेने ठंड बहुत है अंदर गाड़ी चाबी तेरे पास है चेक करें माशाल्लाह ये वो स्पॉट है जो यहाँ तक बर्फ से कवर हुआ होता है यहाँ तक बर्फ से कवर हुआ होता अली जिपलाइन लेने का रख रखते हैं आप हमजा पूरे कहीं घंटे जा रहे हैं जनाब ये हम बाबू सर टॉप से वापसी की तरफ मुंह की है मंदिर चेक कर रहे हैं आप ये कहीं बर्फ पड़ेगी हमारे पास सारे अब्दुल्ला भाई बैठे हैं साथ अभी पीछे बैठे हुए हैं जिंदा भी बैठे हैं हम ड्राइव कर रहे हैं नींद बहुत शदीद आ रही है लेकिन कोई बात नहीं जोर लगाएंगे जब तक तो लगेगा गुजरने वाला नहीं है हम आपको जाके मिलते हैं पटाकुंडी मंदिर मंदिर चेक करें जनाब हम बाबू से टॉप से नारायण वापस जा रहे थे ये हायर इसके ऊपर चढ़ा और क्रिटिकल हो गया बीच में खवातीन और बच्चे हैं जो घबरा गए हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं हुआ तो अल्लाह पाक अपने सबको अपनी ज़मान में रखे हम निकलते हैं हम चलते हैं आ जाओ अली ले जनाब अब हम दोस्त राफ्टिंग करने लगे राफ्टिंग कहते हैं वेरी एक्साइटिंग अली बाजवा अब्दुल्ला हमजा और मैं और हम सारे माशाल्लाह डरते हैं अब्दुल्ला के मैं बहन मैं व्लॉग बनाऊंगा यार दोनों बैठ सकते हैं एक बह सकता बंदा ले भाई के साथ बैठ गए हम जी ये भी दो बंदे मेरे साथ बैठ सकते हो आपके दो बंदे हो जाए एक वीडियो बना हमें डर लगता है यार पहले बच्चों अली कहते कुछ भी नहीं होता बैठ गया अब्दुल्ला मैं पहले अली सीट पे बैठा था पहले बैठे सीट पे कभी ये भाई भी इमरान खान वाले
अभी नेक्स्ट हम आपको मिलते हैं उसके स्पॉट पे जहाँ पे राफ्टिंग हो रही है। थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे राफ्टिंग के दौरान, भी डर लगता है। पहली बार तुम्हारा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी की नहीं है। पानी वैसे भी डरते हैं, 10-10, 12-12 फुट पानी कह रहा है आज तो मैं भी, तो लेट्स सी कि क्या होता है। ले जनाब ये राफ्टिंग वाला सीन हो गया। हमारा जैकेट पहन यार, भैया इनको जैकेट दो, लो भाई यार जो भी जाएगा ना, मैं तैरना तुमने कोई नहीं आता, बीच में फेंक के नहीं। रेडी हो चुका है, हमदा भी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। सर हमने साइज पहना है, हमें पूरा है। इस बंदे को तो नहीं साइज छोटा आ रहा है, जब हम फील्ड में जाएंगे। ये चप्पू है जी जो हमने चलाने हैं। असि आप ही बनानी है, हमारा रेडी है लॉन्च होने के लिए। अब्दुल्ला भी रेडी है। अली आर यू रेडी? अली अली तो देखो अली घबराया हुआ। पता नहीं अंदर बैठ के वीडियो बनाए या ना बनाए, लेकिन बार बार देख लेंगे वाकई राफ्टिंग करना है। अच्छा चले, हम बैठ चुके हैं राफ्ट में और ये अली भाया साहब और हमदा अली हमें लीड कर रहे हैं। अब्दुल्ला राइट पे है, मैं लेफ्ट पे हूँ और भाई हमारे कैप्टन है। तो ये तीन लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस तरह के देख रहे हैं आप, चेक कर रहे हैं। अभी मैं जब वीडियो बनाना छोड़ूंगा तो मैं भी करूंगा। ये भाई ने स्टॉप ही कमांड दी है, तो स्टॉप हो रहा है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच के। अली ये सेल्फी तो ले। के बाद काफी मुश्किल करने के बाद हमने होटल ले लिया है, तो अभी वो कमरे का सामान सामान रख के हम फ्रेश फ्रूश होके अभी खाना खाने के लिए आए हैं। तो ऑर्डर दे दिया, हमदा की मर्जी का, अब्दुल्ला की मर्जी का, अली की मर्जी का। तो अभी जो है ऑर्डर को 30 से 35 मिनट है, तब तक हमने डिसाइड किया हम कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। तो खाना शाना खा लिया। अब ये हम आ गए हैं नारायण बाजार में। ये है नारायण बाजार की रौनक, चेक कर। इतनी भी गड्डी चुके हैं भाई। हमदा खाना अच्छा था? अरे अब क्या प्लान था? पानी ले लें, पानी शादी लें, तो चीज़ें रखी वो लें और फिर रूम में चलते हैं अपने, रूम में चलकर गेम शेम लगाते हैं। तो जनाब हम होटल में आ चुके हैं। इस तरफ नारायण का बाजार और ये बाईपास है, अगर आपने बराबर नारायण जाना। गाड़ी में निकाली खाना खाने के लिए, पैदल गए हैं तो वॉक तो हो गई लेकिन सांस भी चढ़ गए। तो ये हमारा होटल है, मच बेटर आई थिंक। मरी के जो 2% कमरे होते हैं और इतने का चार्ज करते हैं, उससे कई गुना बेहतर है। ये 114 है और ये हमारा 115 है एग्जैक्टिव। मोहम्मद अली बाजवा साहब ऑलरेडी रूम में पहुंच चुके हैं। पानी की बोतलें यस हो गई हैं, बाकी मोबाइल ये रहा, ये तो खैर अपना सामान है प्राइवेट। ये जनाब कार्ड्स आ गए हैं। अब हमदा और अब्दुल्ला आएंगे तो गेम शेम खेलते खेलते हम सो जाएंगे। फिलहाल अपना ट्रॉवल पहन लें। आपका भाई 20 घंटे गाड़ी चलने के बाद फ्रेशनेस चेक करें। हाँ बबलू, ऑल गुड? ओ यस, चलो आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप। No, cards. We have to wake up before 6. We have to leave. Inshallah, we'll get out. We'll play some cards and then we'll sleep. Inshallah. Le gaye. Aaj ke vlog hamara yahan pe khatam hua. Hum Narayan ke liye nikle, Narayan pahunche. Sare aapko mandir dikhaya aapko. Pure raste ki maine aapko surat hal dikhai. Ab jo hai, hum to aaj ka vlog yahan pe close karte hain. Aur ke saath Narayan se wapsi ka trip. Fresh fresh ho liye, nahad ho liye. बारिश ने बनाया क्योंकि हमारे पास फिर ब्रश नहीं था। गाड़ी का पानी शानी चेक कर लिया, अब्दुल्ला आ गया, हमदा भी रेडी है, अली भी रेडी है। गाड़ी का तेल पानी चेक कर लिया, बस अब गाड़ी गर्म हो रही है। तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह निकलते हैं
अपने सफ़र के लिए, सफ़र का आगाज़ करते हैं आप सबकी दुआओं से। तो देखते हैं क्या गाड़ी कंडीशन है, अभी भी कोल्ड का साइन आ रहा है, चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, चेक करें। माशाल्लाह प्यारी गाड़ी लग रही है, बोले इसमें एयर हो गई है, वैसे ही इन्हें कीते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग तो जो लग रहा है कि इसमें सस्पेंशन तो होगी, क्योंकि यहाँ पे एयर सस्पेंशन वगैरह आ नहीं सकता इसके बगैर। उसके अलावा कॉइल ओवर स्पेशली परफेक्ट फिटमेंट बैठ सकती है, सही लग रही गाड़ी। ये आम स्टोरी और ये कार गैस की स्टोरी। हमदा जी तो मुँह नहीं तो नहीं, दो मिनट ठहरा, गाड़ी ठंडी है ज़रा। ये हमारा होटल था जी, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड क्या मतलब बंदा इसमें करे। हम सब अपने सफर का आगाज करते हैं, पर भी तो लगा ना बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह है। इतना भी जोर लग रहा है यार, बज रही है ना नीचे, ना पहला गड्डी लाने सुना है। ऑफ कोर्स एयर प्रेशर चेक नहीं करता इसका, शिट हम जा नहीं सकते, कर जाएंगे। चाचा भी जेड़ा जे फ्रेश हुई थी इस तरह माहौल देख के, हर रोज देखते पेट्रोल देख लो इतना, हमें इस्लामाबाद पहुंचना, कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है 550। दरिया तो फुल जोबन पे है, पानी की आवाज़ सुनने का रात को हम ट्रैवल कर रहे थे, अंधेरा और खामोशी, ये आवाज़ सुनने का इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है कि सोच है आपकी इस मौसम में बाहर सुबह सुबह 7:30 बजे। चलिए तब तक नाश्ते का आगाज़ किया, मैंने हल्की सी इनको खाई और हमदा तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस पानी पीने से। वापसी पे हमने तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद स्टे किया एक जगह नाश्ते के लिए, चाय बनवाई है बड़ी उनसे खुद कह के, जैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। अभी पराठे बना रहे हैं, ये फिर अंडे बनाएंगे, वो बॉयज बार बैठे नाश्ता कर रहे हैं। तो ये है कि अच्छी चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है अगर आप जोर लगाएं तो, ढूंढें तो, कोशिश करें तो। मैं नाश्ता बना के दिया, हमारी मर्ज़ी का चाय का भी, हमारी मर्ज़ी का अंडा भी, हमारी मर्ज़ी का पराठा भी, हमारी मर्ज़ी का चाय भी, हमारी मर्ज़ी की, इनकी मेहरबानी शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ वापसी पर, अली मजा आया नाश्ते का यार, हमजा जी जी नाश्ता बड़ा क्वालिटी का हो गया, बिल्कुल सही है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो गया, बिल्कुल। अब ब्रेक तो लगनी चाहिए, अच्छा मतलब लगनी चाहिए, नहीं अभी नहीं आया, मतलब ब्रेक लगनी चाहिए, बट जो हमारी ड्रेस है वहाँ पर जाके पहले नहीं उसके पहले उसका छुट्टी हैंड इसकी। अल्लाह पाक का निज़ाम है, लोग रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे, हमें लगता है कि इनको कहीं का पता नहीं होगा, लेकिन वो चाचा बता रहे थे मस्कत फिर के आए हुए हैं, कराची गए हुए हैं, पंजाब वाली साइड पे गए हुए हैं, हर इलाके का उनको पता। अली तू तो नाश्ता सही कर लिया है, अब्दुल्ला भैया आपने भी नाश्ता सही कर लिया, अंडा सही बनाया उन्होंने, चाय तो हमने ऊपर खड़े होकर बनवाई है ना, आउटस्टैंडिंग थी चाय।
मैं कह रहा हूँ जब से हम निकले ना सफर पे इस इलाके में एंटर हुआ है पहली चाय कुछ ही पी है या आखिरी चाय कह रहे हैं आप अच्छी पी है इसके बाद हम इतने इलाके की चाय पियेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बखैर सफर हमारा करे। जनाब अभी हम रुके हैं यहाँ पे तकरीबन ईरान से कोई 60-70 किलोमीटर के फासले 60-70 किलोमीटर हो गया हमसे तकरीबन तो आओ उधर बैठ चलते हैं आ जाओ तू बाहर चला गया खूबसूरत सुभान अल्लाह अली अली वो देखो लोग कहाँ तक गए हैं हम यहाँ पे जाने डर रहे हैं चले जरा नीचे जरा चलिए नीचे जरा नहीं नहीं उधर से जाना तो मेरे उन दोस्तों के लिए जो प्लान बना बना के कैंसिल करते हैं अभी एक दोस्त जिसने चवल मार जाता है वो हमारा दोस्त ये खड़ा है वो चवल मार ये वाला दोस्त ये एक होता है प्लान बना के कैंसिल करना एक होता है प्लान बना के एग्जीक्यूट करने के बाद कैंसिल करना वो ये बंदा है पूरे नारायण में पूरे ट्रिप में इस बंदे को यही खा रहा है मतलब क्या है इसका शादी इसकी भी हुई हुई है शादी इसकी भी हुई है हम भी सिंगल है बस शादी तुम्हारी भी हुई है ना नहीं हुई मैंने कितने को फोन आया ना भाई कई घंटे तक बैठ के हम ये बात सुन सकते हैं यहाँ पे इतनी ये मस्मराइजिंग आवाज है चलें जी गोवा के पेट्रोल पंप पे रुके हैं आगे हम बॉयज ने वॉशरूम जाना था और कुछ हमें पेट्रोल की भी शायद जरूरत पड़े अभी हम ऑलमोस्ट मानसिरा से 75 किलोमीटर पीछे हैं पता नहीं इस्लामाबाद तक पहुँचे कि ना पहुँचे अब इसका ये नहीं पता कि इनके पेट्रोल कैसा है क्वांटिटी ठीक है क्वालिटी ठीक है या नहीं तो हम एहतियातन यहाँ से 2,000 रुपये का डलवा लेते हैं 2,000-3,000 रुपये का हाफ टैंक हो जाए हाफ टैंक तो हम डैम से इस्लामाबाद तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे से देखते हैं इस्लामाबाद से टैंकी फिल करवा लेते हैं आप अंदाज़ा हमारा ठीक रहा जितना फ्यूल आपको दिखाया था मैंने 2,000 रुपये में हमारा टैंक आधा हो गया तो अब बाकी पेट्रोल का सीन हम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ इस्लामाबाद पहुंच के तो अभी हम कौन से एरिया में पता नहीं यार इधर देखते चेक करो जरा देख के बताओ जब उतर के देखियो अच्छा चार दिया टोड़ है भैया जी कौन सा इलाके ये सर पारस पारस जी शराम फॉरेस्ट का पॉइंट है ये अच्छा जी शराम फॉरेस्ट पारस शहरान गरीबों का पेरिस मैं हम इस्लामाबाद पिक्चर के फासले पर रह गए हैं तो हमने सोचा कि दरिया कोहनार पे थोड़ी देर बैठ जाए क्योंकि दरिया कोहनार बड़ा खूबसूरत दरिया है इसकी जो पानी की आवाज़ है जिसकी छालों की जो लहरें चलती हैं पानी की उसका बड़ा मज़ा है तो दरिया कोहनार थोड़ी देर बैठ जाए उसकी बात करें कब दरिया कोहनार पे आएंगे तो आए आपको दरिया कोहनार का यहाँ से रास्ता दिखाते हैं बालाकोट से हैं दरिया के पास बैठते हैं छाऊ उधर भी है यहाँ पे मजा है जरा दरिया में पैर रख के बैठने का शॉर्ट्स पहने हुए थे वही पहन रखने चाहिए थे चेक करें इसी दौर में शायरी शुरू की थी फिर छोड़ दी क्योंकि शायरी शुरू कर शायरी करते होते तो यहाँ पे बैठ के जरूर आगे मैं कोई शायरी सुनाता क्योंकि ये जगह ऐसी ही है पानी लहरें बहुत तेज़ ऊपर तक पानी आ रहा था यहाँ तक तो खूबसूरत जगह जी माशाल्लाह खूबसूरत जगह लड़के वहाँ बैठ के ना थोड़ा सा आ जाओ यार
ट्रैवल करते करते मोटरवे से जीटी रोड पर आ रहे हैं, गुजरांवाला से नज़दीक हैं, ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर पीछे हैं गुजरांवाला से, और अभी हम जेलम पहुंचने वाले हैं। तो हम सारे सो गए थे, मतलब कि ये सो गए थे सारे, तो मैं स्लो गाड़ी चला रहा था, ये भाई साहब भी सो गए थे और ये दोनों भी सो गए थे, तो मैं सोने लगा था, तो इन्होंने फिर भी उठाया गाड़ी भी साइड पर रोक लिया, फिर पावर नैप लिया थोड़ी देर, पावर नैप लेने के बाद फिर निकले और फिर डाकू डाकी जो है ना शूटर टाइम जा रहे हैं, तो इतने भी शूटर जा रहे हैं, किसी ने ओवरटेक नहीं किया हमें, तो आधे घंटे तक हम तकरीबन कोई जेलम क्रॉस कर लेंगे, जेलम के बाद रास्ता रहा ही नहीं जाता, अभी तो हम देखें बन रहे हैं, 4:35 हो गए हैं, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं लग रहा है 5 तक जो है ना मैं वीराना पहुँचा दूँगा, लेकिन 5 में वीराना पहुँचने में 6 के बाद पहुँचना है इंशाल्लाह, तो गुजरांवाला पहुँच गया, आप दोस्तों सर से बात होती है, मुलाकात होती है, तब तक सलाम। फाइनली आपका भाई गुजरांवाला पहुँच गया है 48 आवर्स के लॉन्ग ट्रिप के बाद, जो कि हम नारायण बाबू से टॉप तक गए हैं और फिर वापस आए हैं, एक नया रिकॉर्ड कायम किया, अली भाई भी बहुत थके हुए हैं, हमदा भी बहुत थका हुआ है, अली भाई बैठे हैं, अली भाई तो 100 के उठे हैं, ये अब्दुल्ला भाई बैठे हैं। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि बहस चल रही थी कि काफ़ी देर से किसी ने कुछ भी नहीं पिया, मुँह खुश हो रहा तो डिसाइड ये होता है कि हम हार्डीज का शेक पिएंगे, डिसाइड किस जगह पे होता है ये भी बताओ, डिसाइड होता है ये ऑलमोस्ट जेलम के आसपास, नहीं इस्लामाबाद, सॉरी इस्लामाबाद के आसपास, इस्लामाबाद से पहले, हाँ जी इस्लामाबाद से पहले डिसाइड होता है। अब्दुल्ला भाई सो रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे, तो अब्दुल्ला भाई उठ गया, उसके पास सोए नहीं अब्दुल्ला भाई अभी तक, तो अभी तक नींद ही नहीं आई, पहले अब्दुल्ला को अच्छा पहले अब्दुल्ला को डाल देते हैं, रिवर्स चलेंगे ना, अब उसमें सीन ये है कि अब फिर हार्ट से शेक भी रहा था, लेकिन वो तो बंदा माने नहीं, ट्रिप के बाद सारे बतीत हो गए हैं, कोई पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, इंडियन बस जी इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स मी दे देम यार, आई एम प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज सिंस Since the night before last night, इसकी जल्दी आए हैं, उसके बावजूद इसने हमारा रिकॉर्ड नहीं किया, देख लीजिए किया ना मैं आपके ब्लॉग में, तो कोई बात नहीं, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी, अभी तो खैर जिंदगी पड़ी है, लेकिन अभी हम खुशियां वाला भी पहुंच गए हैं, ये हम शावर रिमूव कर लिया, पहले हमने उतारना अब्दुल्ला को, फिर उतारना हमजा को इसकी गाड़ी, नहीं फिर उतारना अली को, फिर मैं जाके ये गाड़ी बेच के लोटस का शेक पीऊंगा और जिस भाई को गाड़ी बेचूंगा उसे कहूंगा भाई मुझे कोई 30-35 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतने पैसे चाहिए जितने का शेक है, दिस इज बिजनेस तो वो शेक वो भाई शेक पिलाएंगे मुझे उनसे, फिर मैं कहूंगा भाई एक और रिक्वेस्ट छोटी सी, मुझे घर ड्रॉप कर दे प्लीज, चल पैदल अली ने गए यहाँ पे टोया है, मैं उसमें गाड़ी मारूंगा, वोट होया गाइस, वोट होया और हमने ट्रेन में गाड़ी नहीं मारी, तो अली की जो थी फोर्सिंग वो फेल हो चुकी है, तो अभी हम अब्दुल्ला को उतारते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, मजीद बात करते हैं, या अगर हमें कुछ ना मिला बात करने का तो फिर हम वीलॉग ख़त्म कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मिलेंगे, शुक्रिया।